जिस इकाई के अंतर्गत अनुवाद के प्रयोग एवं क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे उसकी संरचना निम्न प्रकार से है। प्रस्तावना, उद्देश्य, भाषा प्रयुक्ति तात्पर्य, भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व, भाषा प्रयुक्ति के आधार, विभिन्न प्रयुक्तियाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुवाद, वाणिज्य के क्षेत्र में अनुवाद, अनुवाद प्रशासनिक अनुवाद, विधि के क्षेत्र में अनुवाद, संचार माध्यमों के में अनुवाद, विज्ञापनों में अनुवाद और सारांश आदि पर। अनुवाद की विज्ञान अनुवाद के प्रयोग एवं क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो है प्रस्तावना, अनुवाद के क्षेत्र एवं प्रकार नामक इस इकाई में समझेंगे कि हमारे जीवन के विभिन्न संदर्भों के अनुसार हमारी भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। भिन्न भिन्न जीवन स्थितियों एवं कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा रूपों की अपनी निजी विशेषता होती है। इन्हीं के आधार पर भाषा प्रयुक्त लैंग्वेज रजिस्टर की संकल्पना की गई है। भाषा प्रयुक्तियों से तात्पर्य है इसका स्वरूप कैसे निर्मित होता है, इसे कैसे पहचाना जाता है। यदि प्रश्नों के उत्तर को इस इकाई में मिलाएं, साथ ही प्रयुक्त विभिन्न आधारों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें हिंदी भाषा की 9 प्रयुक्तियों एवं उसकी विशेषताओं को 100 उदाहरण समझना होगा। भाषा प्रयुक्तों की चर्चा क्षेत्र की 9 प्रयुक्तियों की विशेषताओं पर होगा। हिंदी भाषा के माध्यम से हमें ये ध्यान में रखना होगा कि प्रयुक्तियाँ लगभग संपन्न भाषाओं में भी मौजूद होनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हिंदी भाषा में प्रयुक्तियाँ हैं तो जिस भाषा में हम अनुवाद करने जा रहे हैं उस भाषा में भी वो होना जरूरी है। हिंदी किसी भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इन प्रयुक्तियों का प्रयोग सही तरीके से करते हैं और उस के अंतर्गत भाषा व्यवहार में वो सक्षम होते हैं। एक प्रयुक्ति से दूसरी प्रयुक्ति किस प्रकार भिन्न होती है इसकी व्यवहारिक जानकारी इस इकाई में दी जाएगी। साथ ही अनुवाद में इन प्रयुक्तियों के महत्व की चर्चा करते हुए समझाया जाएगा कि अनुवाद करते समय प्रयुक्ति विशेष के में इस्तेमाल होने वाले भाषा रूप का प्रयोग क्यों जरूरी है। उद्देश्य, भाषा प्रयुक्ति समझ सकते हैं कि भाषा प्रयुक्ति क्या होती है। उद्देश्य इस इकाई का है कि भाषा प्रयुक्ति क्या होती है, प्रयुक्ति का निर्माण किन आधारों पर होता है, विभिन्न भाषा प्रयुक्ति कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और अनुवाद की दृष्टि से भाषा प्रयुक्ति का क्या महत्व है, विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों के अनुवाद की बारीकियों को समझाना भी इस इकाई का उद्देश्य है। अलग अलग प्रयुक्तियों के क्षेत्र में अनुवाद की अलग अलग अपेक्षाओं के विषय में समझना अति आवश्यक है। भाषा प्रयुक्ति से तात्पर्य प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त से बनाया जिसका अर्थ होता है प्रयोग में लाना। भाषा के क्षेत्र में प्रयुक्ति शब्द अंग्रेजी के रजिस्टर शब्द का हिंदी पर्याय है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में रजिस्टर वस्तुतः एक परिभाषिक शब्द है और रजिस्टर के जो अर्थ पढ़े या जाने जाते हैं
उन्हें भिन्न भिन्न अर्थों में पहचाना जाता है। भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है समाज विज्ञान। इसके अंतर्गत भाषा का सामाजिक संदर्भों में विवेचन और अध्ययन किया जाता है। रजिस्टर शब्द समाज विज्ञान का परिभाषिक शब्द है, जो भाषा के भीतर पाए जाने वाले रूप भेदों का द्योतक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है ये विशिष्ट स्थितियों भाषा प्रयोक्तों के सामाजिक संदर्भों से उत्पन्न होता है, यानी व्यक्ति किसे कहाँ किस विषय में बातचीत कर रहा है, लिख रहा है, संप्रेषण कर रहा है, इसके अनुरूप ही शैली का वह प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न स्थितियों में और भिन्न भिन्न प्रयोजनों में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए तीन वाक्यों को समझें। यदि आप अंदर पधारेंगे तो आपका बहुत आभार होगा, आभारी होऊंगा, कृपया अंदर पधारें, अंदर आओ। तीन वाक्यों के अत्यधिक औपचारिक शैली से लेकर नितांत अनौपचारिक शैली के प्रयोग का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व है। एक भाषा प्रयुक्ति से दूसरी भाषा प्रयुक्ति की अलग पहचान किन तत्वों के आधार पर की जा सकती है? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे कौन से तत्व हैं जो भिन्न प्रयुक्तों को निर्मित करते हैं और उनकी स्वतंत्र पहचान बनाते हैं। चूंकि प्रयुक्तियां एक भाषा के भीतर विकसित विविध रूप भेद हैं, अतः उनको निर्मित करने वाले घटक उस भाषा के संरचनात्मक घटक होते हैं। मूल संरचना उस भाषा की रहती है। शब्दों का प्रयोग, पद क्रम, वाक्य विन्यास, शैली आदि विशिष्ट होती हैं, जिसके कारण प्रस्तुत प्रयुक्ति विशेष की निज पहचान बनती है। इस दृष्टि से प्रयुक्ति के प्रमुख निर्धारक तत्व तीन हो जाते हैं, शब्दावली, वाक्य विन्यास और शैली। शब्दावली अनुवाद में प्रयुक्ति का प्रमुख आधार होती है। एक प्रयुक्ति को दूसरी प्रयुक्ति से मुख्य रूप से शब्दावली के स्तर पर अलग अलग किया जा सकता है। कुछ स्थितियों अथवा विषयों की शब्दावली दूसरे विषयों से भिन्न होती है। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास शब्दावली के अतिरिक्त विभिन्न विषयों अथवा व्यवसायों वाक्य रचना भी एक हद तक विशिष्ट होती है। ये विशिष्टता भाषा की सामान्य संरचना के भीतर चलती है। जैसे पत्रकारिता की हेडलाइनों में शब्दावली तो सामान्य होती है, लेकिन वाक्य रचना विशिष्ट होती है। अक्सर क्रियाएं छोड़ दी जाती हैं, जैसे ब्रिटेन की महारानी, 12 अक्टूबर से भारत दौरे पर, नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर केंद्र का राज्यों को समर्थन। शैली, शैली से तात्पर्य विशिष्ट साहित्य शैली न होकर कथन के ढंग अथवा मुहावरे से है। उदाहरण के लिए बनाम शब्द सुनते ही हमें दो पक्षों का ध्यान आएगा, जिनके बीच कोई मुकदमा चलता हो, अथवा राम धन बनाम हरि सिंह के बीच। कहने का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच दोस्ती भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है और बंटवारा भी हो सकता है। प्रयुक्ति या प्रयोग का आधार प्रयुक्ति और प्रयोग का आधार भाषा प्रयोग का विषय क्षेत्र, संप्रेषण की रीति, वक्त, श्रोता, लेखक एवं पाठक, औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति।
तो कहने का मतलब है भाषा प्रयोग का विषय क्षेत्र, भाषा के प्रयोग के विषय क्षेत्र से तात्पर्य जीवन का वह संदर्भ विशेष अथवा विशेष विशेष है, विषय विशेष है जिसके अंतर्गत भाषा के प्रयोग की बात कही जाती है। हर विषय क्षेत्र की अपनी शब्दावली और वाक्य संरचना अपने ढंग की होती है। ये संरचना संदर्भ विशेष में बड़ी सार्थक और उपयुक्त होती है, किंतु उसका इस्तेमाल अन्य संदर्भ क्षेत्रों में कर दिया जाए तो बड़ा ही अटपटा प्रतीत होता है। संप्रेषण की रीति, संप्रेषण की रीति का तात्पर्य है संप्रेषण किस प्रकार का है, मौखिक या लिखित। यदि मौखिक है तो क्या आमने सामने रेडियो पर या टेलीविजन पर या टेलीफोन पर भाषण या व्याख्यान के रूप में या वार्तालाप के रूप में। इसके विपरीत यदि लिखित है तो वह किस रूप में है, समाचार पत्र के रूप में है या लेख है या पुस्तक के रूप में है। इस तरह मौखिक और लिखित संप्रेषण में अंतर पाया जाता है। भाषा का लिखित रूप एक अस्थायी दस्तावेज बन जाता है। संप्रेषण की रीति लिखित और मौखिक के अतिरिक्त और भी कई दृष्टियों से अलग अलग होती है, जिसमें अखबार की भाषा एवं शोध की भाषा दोनों में अंतर होता है। वक्ता श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति, वक्ता श्रोता एवं लेखक पाठक की स्थिति, वक्ता श्रोता का परस्पर सामाजिक व्यावसायिक अथवा पदीय संबंध उनके भाषा व्यवहार को प्रभावित करता है। माता पिता मित्र अध्यापक अधिकारी से वार्तालाप लिखित संप्रेषण समय भाषा का रूप शैली भिन्न भिन्न होती है। यह भिन्नता वैयक्तिक अथवा पदीय संपर्क में दिखाई देती है, सामाजिक सामूहिक संपर्क में भी दिखाई देती है। भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति, एक ही विषय के क्षेत्र में तथा वक्ता श्रोता की समान स्थिति में अभिव्यक्ति की स्थितियां सदैव समान नहीं होती हैं, कभी वे औपचारिक होती हैं कभी अनौपचारिक होती हैं। इन दोनों ही स्थितियों में भाषा व्यवहार का रूप अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए दो मित्र जब सामान्य जीवन के विषय में अनौपचारिक बातचीत करते हैं तो उनकी भाषा का रूप और होता है, जब राजनीतिक परिस्थितियों की बातें करते हैं तो उनकी भाषा एवं रचना का रूप अलग होता है। प्रयुक्तों के विभिन्न प्रकार, समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर किसी भाषा की सामान्यताएं प्रयुक्तियां हो सकती हैं, जो सामान्य व्यवहार, साहित्यिक प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान संबंधी, वाणिज्य में प्रयुक्ति और वैज्ञानिक प्रयुक्ति, वैज्ञानिक प्रशासनिक प्रयुक्ति, विधिक प्रयुक्ति, मीडिया और पत्रकारिता के संबंध में प्रयुक्ति हो सकती है, विज्ञापनी प्रयुक्ति हो सकती है और खेल संबंधी प्रयुक्ति भी हो सकती है। विज्ञान एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुवाद, मूलतः विज्ञान के अंतर्गत मोटे रूप से चार विषय आते हैं, भौतिकी, गणित, रसायन और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि आदि विषय इन्हीं से निकले हैं। विज्ञान प्रणाली के तीन प्रमुख गुण माने जाते हैं, तर्क, प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक नियम तर्क पर आधारित होते हैं, उनमें कार्यकरण संबंध होता है। दूसरे वैज्ञानिक नियम प्रमाण साक्ष्य पर आधारित होते हैं, ये वास्तविक तथ्य प्रयोगों और विश्लेषणों पर आधारित होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रमाणिक माने जाते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं माने जाते हैं। तीसरे वैज्ञानिक निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ होते हैं,
व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं, ये देश काल से बाधित नहीं और न ही वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण अथवा पसंद पर आधारित होते हैं। इससे वैज्ञानिक नियमों में एक प्रकार की सार्वभौमिकता का गुण कहा जाता है। विज्ञान प्रणाली के ये तीन गुण किसी न किसी वैज्ञानिक भाषा रूप शैली शब्दावली में प्रतिबिंबित होते हैं। जहाँ तक भाषा रूप और शैली का प्रश्न है, वैज्ञानिक भाषा के वाक्यों में अधिकांश कसाव होता है, शब्दों का चयन सावधानी से किया जाता है। विज्ञान के नियम सार्वभौमिक नित्य होते हैं, इसीलिए इनको व्यक्त करने के लिए भाषा में सामान्यतः नित्यवाची क्रियाओं का प्रयोग होता है। विज्ञान अपनी वस्तु को सूक्ष्मता स्पष्टता और उसके आधार को आरेख विशेष चिन्हों या चित्रों द्वारा प्रयोग करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों का अनुवाद करते समय पहला प्रश्न उन विषयों की जानकारी के बारे में उठता है। विज्ञान में भाषा अवधारणा केंद्रित होती है, प्रौद्योगिकी में वस्तु केंद्रित होती है। विज्ञान की भाषा के स्तर पर विज्ञान की भाषा का इस्तेमाल कुछ क्षेत्र में सामान्य चार स्तरों पर होता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्तर पर, कार्यालय स्तर पर, दैनिक नंदनी व्यवहार पर और प्रचार विक्री के स्तर पर। वाणिज्य के क्षेत्र में अनुवाद, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत लेखा परीक्षा, बैंकिंग, व्यापार आदि का जो है वो चर्चा की जाती है। इसी में अगर देखा जाए आधुनिक युग में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थशास्त्र, वाणिज्य, बैंकिंग आदि क्षेत्रों का भारी विस्तार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। इन विषयों का संबंध आम आदमी और वाणिज्य से संबद्ध लोगों दोनों से होता है। वाणिज्य व्यापार की भाषा आवश्यकता व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पर होती है। सरकारी कार्यालयों की कार्यालय भी बड़ा हिस्सा अर्थ जगत से संबंधित रखते हैं। जनसंचार के क्षेत्र में भी आर्थिक समाचारों, आर्थिक विश्लेषणों, आर्थिक विचार विमर्शों का पर्याप्त महत्व होता है। अनेक त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाएं इन विषयों पर प्रकाशित होती है। इन विषयों की प्रचुर सामग्री के प्रकाशन के साथ ही इनके अनुवाद का महत्व भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी वाणिज्य विषय के अनुवाद का व्यापक महत्व है। प्रशासनिक अनुवाद का संबंध विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वभाषी के माध्यम से स्वशासन की बात उठी और हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए ब्रिटिश कानून, कार्य विधि, साहित्य, दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद आवश्यक हुआ। लेकिन बाद में नीति बनी कि राजभाषा के स्तर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाए। जब तक हिंदी भाषी राज्य इसके लिए सहमति न दे दें, प्रशासनिक अनुवाद करने के लिए अनुवाद अधिकारी कर्मचारियों की व्यवस्था है। वे रोजगार के रूप में अनुवाद को अपनाते हैं, अपने पदीय दायित्व के रूप में अनुवाद करते हैं। इसीलिए साहित्य के अनुवाद में जिस प्रकार का सृजनात्मक सुख अनुवाद अनुभव करता है अनुवादक, वैसा प्रशासनिक क्षेत्र का अनुवादक नहीं करता है। हाँ, विषय को भली भांति प्रस्तुत कर देने, उसे सहज ढंग से संप्रेषणीय बना देने के दायित्व को पूरा करने का संतोष उसे
आवश्यक मिलता है। प्रशासन प्रशासनिक क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली को संकेतिक कर संकलित कर दिया गया है, उसे हिंदी पर्याय निर्धारित कर दिए गए हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में उसका व्यवहार भी होता है, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र की भाषा को लेकर आपत्तियां भी उठाई जाती हैं। प्रशासनिक अनुवाद की मुश्किल यह तो है कि वह शब्दावली का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। विविध क्षेत्र के विविध क्षेत्र में अनुवाद विधि की भाषा में प्रशासनिक शब्दावली काफी विशेषता मिलती है। भाषा की संवेदनशीलता विधि की भाषा विधि के क्षेत्र में अनुवाद विधि की भाषा अत्यंत संवेदनशील होती है, जिसमें शब्द या क्रम का थोड़ा भी परिवर्तन अर्थ का अनर्थ कर देता है। विधि की शब्दावली प्रायः सामान्य कोशीय अर्थ नहीं व्यक्त करती है, उसका अर्थ अत्यंत सूक्ष्म और विशिष्ट होता है। न्यायालय द्वारा अर्थ व्याख्या सामान्यतः किसी भी प्रयुक्ति क्षेत्र में लिखे गए शब्दों की व्याख्या उनके पाठकों को पाठक करते हैं, लेकिन कानून दस्तावेज व्याख्या पाठक नहीं अदालत करती है। अर्थ की व्याख्या को वकील चुनौती देते हैं, न्यायाधीश उपयुक्त निर्णय देते हैं, कभी कभी अदालत पुराने अर्थों को भी संशोधित एवं परिवर्तित कर देती है। राजपत्र में अधिसूचना कोई भी कानूनी दस्तावेज तभी प्रमाणित माना जाता है जब राजपत्र गजट में उसकी अधिसूचना जारी हो जाती है। अर्थ की संक्षिप्तता कानूनी भाषा की इस प्रकार की असामान्य विशिष्टता के कारण स्वाभाविक है। कानूनी दस्तावेज के वाक्य अत्यंत सार गर्भित और जटिल होते हैं। जनसंचार के माध्यम जनसंचार के माध्यम दो प्रकार से होते हैं, मौखिक एवं लिखित। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत तीन प्रकार के माध्यम आते हैं और उन तीन प्रकार के माध्यम रेडियो टेलीविजन पत्रकारिता। मौखिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो और टेलीविजन आता है, लिखित माध्यम के अंतर्गत पत्रकारिता आती है। रेडियो और टेलीविजन मौखिक माध्यम है, रेडियो श्रवण टेलीविजन दृश्य श्रवण माध्यम है, पत्रकारिता लिखित है। इन जनसंचार माध्यमों का लक्ष्य सामान्य वर्ग के श्रोता एवं पाठकों तक उनकी बातचीत पहुंचाना है। इस वर्ग का भाषा ज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विषय ज्ञान भी साधारण होता है, अतः सहज बोधगम्यता इन जनसंचार माध्यमों की भाषा एवं प्रणाली का विशिष्ट लक्षण होती है। इन तीनों माध्यमों में टेलीविजन का विशेष महत्व है। दृश्य श्रव्य होने के कारण इसमें केवल शब्द ही नहीं बल्कि वक्ता के हाव भाव तथा आंगिक संकेत भी भाषा अभिव्यक्ति के पूरक होते हैं। दृश्य विधान की रोचकता और चित्रात्मकता के कारण वह विद्या अन्य सभी माध्यमों से अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होती है। अनुवाद विज्ञापनों का अनुवाद विज्ञापन की भाषा में सहजता रोचकता और मौलिकता तीनों ही उपेक्षित होती हैं, ताकि पढ़े या दिखने वाला उसे तुरंत समझे, उसकी आकृष्ट हो और उसके उपयोग की दिलचस्पी उसमें पैदा हो। विज्ञापन की भाषा की एक विशेषता होती है संक्षिप्तता, वाक्य रचना पद रचना की कसावट होती है उसमें। यहाँ विस्तार से कहने की गुंजाइश नहीं है, सभी विज्ञापनों का उद्देश्य सूचना देना होता है। फिर भी विज्ञापन कई तरीके के होते हैं, व्यापारिक प्रचार प्रसारक और कार्यपरक। व्यापारिक विज्ञापन अक्सर उपभोक्ताओं को वस्तुओं की जानकारी देते हैं और ग्राहक को बनाने के लिए होते हैं। प्रचार परक विज्ञापन
प्रशासनिक स्तर पर जन सामान्य की सूचनाओं के लिए होते हैं, निजी संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा सूचना के लिए भी होते हैं। कार्यपरक विज्ञापनों में रोजगार संबंधी विज्ञापन तथा वर्गीकरण विज्ञापित होते हैं अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनुवाद के क्षेत्र एवं प्रकार जो है वो आज वर्तमान युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा खूब प्रसारित किए जाते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादक अपनी सहजता और मौलिक माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। सारांश, इस इकाई का सारांश जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस इकाई में भाषा प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है, इस पर चर्चा की गई है। प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं तथा प्रयुक्ति किन आधारों पर निर्मित होती है। इसके अलावा इस इकाई में सामान्य बोलचाल, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्याकरणिक, व्यापार संबंधी, प्रशासनिक, समाज विज्ञान संबंधी, विधिक, संचार माध्यम संबंधी, विज्ञान संबंधी प्रयुक्तियों का सौदाहरण परिचय प्राप्त किया है। इस प्रकार उपयुक्त इकाई में समझा कि साहित्य भाषा की क्या विशेषता होती है, यह विज्ञान और प्रशासन की भाषा में किस तरह भिन्न होती है। वाणिज्य एवं व्यापार की भाषा, शब्दावली, मुहावरा कैसा है, संचार माध्यम में विविध क्षेत्रों की भाषा का समावेश कैसे होता है, विज्ञापन की भाषा किस तरह ध्यान आकर्षण करती है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, प्रशासन, विधि, संचार, जन विज्ञापन आदि की भाषा एक दूसरे से शब्दावली, शैली, वाक्य रचना आदि के स्तर पर भिन्न दिखती हैं। ये भिन्नता उनके अनुवाद में भी आनी चाहिए। विभिन्न शब्दों के अर्थ भी अलग अलग प्रयुक्त क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। अतः हिंदी पर्याय खोजते समय विषय और सही संदर्भ के अनुसार पर्याय का चयन करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनुवाद के प्रयोग एवं क्षेत्र भाषा को लेकर के उनकी अपनी अपनी भाषाओं के अपने अपने नियमों और उपवाक्यों को लेकर के किए जाते हैं, और अनुवाद का प्रयोग एवं क्षेत्र सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में होता है। धन्यवाद।